तो यह है वराकू वैली का सेकंड पार्ट, मैं आप लोग को दिखला रहा हूँ। क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ से निकलना नहीं हो रहा है तो मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ, क्योंकि अभी फरवरी महीने में मैं विशाखापट्टनम घूमने के लिए गया था, तो वहाँ से होते हुए हम लोग अराकू वैली भी आ गए। अराकू वैली विशाखापट्टनम से लगभग वही 100-110 के आसपास पड़ता है। तो हम लोग सुबह डिसाइड किए थे कि चलना है घूमने के लिए, और शाम को हम लोग का ट्रेन है तो घूम कर आ जाते हैं। दोस्त लोग के साथ डिस्कस किए, फिर हम लोग रात ही में बात कर लिए थे कि गाड़ी लगाना है, ऐसे तो जा ही नहीं सकते। ट्रेन का जो टाइमिंग था वो अलग अलग टाइमिंग था, जाना भी था, हम लोग को घूमना भी था और वहाँ से आना भी था। इस कारण से हम लोग वहीं से कार बुक कर लिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ घूमने के लिए आया हूँ मैं। 2 दिन का सफ़र था तो ये दूसरा दिन होने ही वाला है। भैया को जब मैं पूछा यहाँ शूटिंग रन होता है क्या ऐसा करके, क्योंकि जो एरिया है बहुत ही खूबसूरत एरिया है, तो उसने बताया कि होता है कुछ कुछ जगह, लेकिन मैं भी यहाँ ज़्यादातर आता नहीं हूँ। ऐसी जैसे बुक वगैरह होता है, गाड़ी कोई लगाता है या कुछ किसी काम से आता हूँ ना तो पता चलता है, एक दो बार मैं भी देखा हूँ ऐसा बताया है। तो एक दो जगह का हम लोग को शूटिंग लोकेशन दिखाया तो बता रहा था कि यहाँ पर होता है करके। अभी वही लगभग 11-11:30 बज गया है, यहाँ आते तक हम लोग वही सुबह 9:30 या 9 बजे के समथिंग निकले हैं। फरवरी का महीना था तो यहाँ ठंड भी था और अच्छा भी लग रहा था, और यहाँ घूमने के लिए सही टाइमिंग है वही अक्टूबर महीने, वही नवरात्रि के बाद से वही मार्च या फरवरी एंडिंग तक घूम सकते हो, बाकी टाइम भी आ सकते हो, लेकिन धूप ज़्यादा रहता करके हम लोग वही फरवरी एंडिंग में आ गए थे। तो देखिए यहाँ का नज़ारा, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, आइड साइड में पेड़ और बीच में पतली सी सड़क जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ पर बगीचा भी है घूमने के लिए। मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को दिखलाऊँगा, और बहुत सारा कुछ कुछ चीज़ है जिसको मैं आने वाले वीडियो में आप लोग को शेयर करूंगा। और आप लोग देखिए यहाँ का नज़ारा जो कि बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, यहाँ घूमकर आप लोग को बहुत ही मज़ा आ जाएगा। वैसे हम लोग को तो आ ही रहा है, देखिए किस तरह से बना हुआ है, और मोड़ भी बहुत ज़्यादा है, हर वही 200 300 400 मीटर के अंदर अंदर में बहुत ज़्यादा मोड़ भी है, देखिए किस तरह से है। अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई कोई जगह इतना ज़्यादा मोड़ है कि आप सामने से जब गाड़ी आता है ना तो अच्छे से दिखाई नहीं देता है, लेकिन ड्राइवर भैया कैसे चला रहे वही जानेगा, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है वही लोग चला पाते हैं, हम जैसे लोग होंगे तो उन लोग चला नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा घाटी रोड में ज़्यादा चलाए नहीं है, सिर्फ बाइक ही तो चलाते हैं, कार कहाँ चलाने आते हैं। एक दो दोस्त लोग को आते हैं उन लोग चला लेते हैं, लेकिन इतना घाटी में उन लोग चलाएँ कि नहीं चलाएँ ये भी नहीं पता, लेकिन एक दो दोस्त के पास है मेरे जिसके पास गाड़ी है। देखिए अभी हम लोग ऊपर चढ़ ही रहे हैं, मतलब ये नीचे से लेके ऊपर तक पूरा चढ़ना पड़ता है। चलिए रोड का सफर करते हैं और आपको दिखलाते हैं यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए।